गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि उसे अपना दिमाग चलाना चाहिए था, वो कभी अपना दिमाग नहीं चलाता, कभी तो अपना दिमाग चला लिया करो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़े आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है अपना दिमाग चलाना। अपना दिमाग चलाना, सबसे पहले इसके इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूज़ वन्स ब्रेन, यूज़ वन्स ब्रेन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है यूज़, इसके बाद नाउन या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद ब्रेन। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो आप यूज़ देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि यूज, यूजेस, यूज्ड, यूजिंग, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी तो अपना दिमाग चला लिया करो, डू एवर यूज योर ब्रेन, डू एवर यूज योर ब्रेन। क्या वो अपना खुद का दिमाग नहीं चलाता, डजंट ही यूज हिज ओन ब्रेन, डजंट ही यूज हिज ओन ब्रेन। इस परेशानी का हल निकालने के लिए मैंने बहुत दिमाग चलाया था, आई हैड यूज माई ब्रेन अ लॉट टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, आई हैड यूज माई ब्रेन अ लॉट टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इतना दिमाग क्यों चला रहे हो, वाई आर यू यूजिंग योर ब्रेन सो मच, वाई आर यू यूजिंग योर ब्रेन सो मच। अब वो अपना दिमाग चलाएगा, He will use his brain now. He will use his brain now. क्या उसने अपना दिमाग नहीं चलाया? Didn't she use her brain? Didn't she use her brain? उसे अपना दिमाग चलाना चाहिए था. She should have used her own brain. She should have used her own brain. ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना. Don't use your brain too much. Don't use your brain too much. वो कभी अपना दिमाग नहीं चलाता, He never uses his brain. He never uses his brain.